हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू डिज़ाइन का डोरमेट जिसके लिए हम फंदे डाल देते हैं। हम 32 फंदे का डोरमेट बना रहे हैं इस डिज़ाइन को देने। तो हम फंदे डाल दिए, तरह से फंदे डालते हैं, उस तरह से फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें 32 फंदे डाल देती हूँ, फिर आपको डिज़ाइन की शुरुआत कैसे करनी है वो दिखाती हूँ। देखिए, मैंने फंदे सब डाल दिए हैं, मैंने 32 फंदे डाल दिए हैं दो के जोड़ से। हम यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहली रो हम ऐसे ही बुनाई कर देंगे। पहली रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही सीधा सीधा हमें बुन लेना है। आप चाहो तो ऊन से भी बना सकते हो, पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हो इस डिज़ाइन को, उसमें भी अच्छा लगेगा इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके। मैं ये रो कंप्लीट कर देती हूँ। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाऊंगी। ऐसे एक रो को हमें कंप्लीट करना है। अब दूसरे रो से हमें डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे इस तरह से। मैं ऐसे ही बढ़ाती हूँ, आप जिस तरह से फंदे बढ़ाते हो उस तरह से बढ़ा सकते हो। ऐसे एक फंदे को बढ़ाकर पूरी रो को कंप्लीट करना है और लास्ट में दो फंदे को छोड़ देना है। और लास्ट के दो फंदे हमें छोड़ देना है। ऐसे ऐसे मैंने दो फंदे छोड़ दिए। यहाँ से हम वापस हो जाएंगे और यहाँ से हम ऐसे ही बुनकर इस रो को कंप्लीट करते हुए अब जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो उतने फंदे डालकर बड़ा बना सकते हो। ये 32 फंदे का भी बहुत बड़ा बन जाता है, 40 फंदे जितना बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। जो बढ़ाया हुआ फंदा है उसे भी साथ में बुन लेना है हमें। ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो में हम फिर से फंदे को बढ़ाएंगे और लास्ट में फिर से दो फंदे को हम छोड़ देंगे। ये मेरा दूसरा फंदा बड़ा। लास्ट के दो फंदे बच जाते हैं,
तब तक इस रो को कंप्लीट करके मैं आगे का दिखाती हूँ। मैं फिर से दो फंदे छोड़ देती हूँ और यहीं से ही वापस हो जाऊँगी और यहाँ से मैं ऐसे ही बुनकर लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी। ऊपर से मेरे दो फंदे बटे हैं और नीचे से दो दो करके चार फंदे छूट गए हैं। यहाँ हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी तीसरी रो स्टार्ट होगी और हमें तीसरा फंदा भी बढ़ाना है। मैं तीसरा फंदा बढ़ा के तीसरी लाइन बना रही हूँ। अभी ऐसे ही हमें बनाते हुए जाना है और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देने, जो हमें चार फंदे छोड़े थे और फिर से दो फंदे छोड़ देने हैं। तीसरी रो में फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी और आगे से पूरी सिलाई बुन लूँगी ऐसे ही। यहाँ हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने तीन रो बना दी है। ये मैंने तीसरी रो भी कंप्लीट कर दी है। अब हमें ऐसे ही यहाँ से आठ फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ दो दो करते हुए आठ फंदे को छोड़ देना है। हमारे नीचे से 16 फंदा छूटेगा। यहाँ आठ फंदा बढ़ेगा और यहाँ 16 फंदा छूट जाएगा। तो मैं इतना कर देती हूँ, बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आठ फंदे बढ़ा दिए और दो दो करते हुए 16 फंदा आठ बार मैंने छोड़ दिए है। अब यहाँ से आगे का हम यहाँ से हम 16 फंदे अब फिर से छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम फंदे को घटाएंगे नहीं और जो हमारे 16 फंदे दूसरी बार के हैं उसे दो दो करते हुए जब आठ फंदे हमारे बटाए हुए रह जाएंगे तब तक दो दो करते हुए छोड़ते जाएंगे इस तरह से। अब की बार हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। जो आठ फंदे हमने छोड़े हैं वहाँ से हमें दूसरी बार के 16 फंदे घटाने हैं। दो दो फंदे छोड़ते हुए 16 फंदा छोड़ना है हमें। यहाँ से हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। जो हमने आठ फंदे छोड़े थे वहाँ से दो दो फंदे करते हुए 16 फंदे को छोड़ देना है, छोड़ते जाना है। एक बार आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं।
यहाँ जो मैंने छोड़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पहली बार हमने छोड़े, यहाँ से हमें फिर से 2 फंदे छोड़ देना है और यहाँ से हमें वापस हो जाना है। यहाँ से ऐसे ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही हमें बुनना है और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। जब तक 8 फंदे हमारे बढ़ाए हुए रह न जाए तब तक हमें 2-2 फंदे छोड़ते जाना है इसी तरह से। यहाँ से मैं फिर से 2 फंदे छोड़ दूंगी और यहीं से वापस हो जाऊंगी। इसी तरह हमें फंदे बढ़ाने नहीं है और नीचे से 2-2 फंदे छोड़ते हुए 16 फंदा हमें छोड़ना है। तो मैं इतना कर देती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। मैंने सारे फंदे छोड़ दिए, यहाँ हमारे 8 फंदे जो बटाए थे वो बाकी रह गए। अब यहाँ से हम जो दूसरी बार के 16 फंदे छोड़े थे 2-2 करते हुए, वो हम साथ में इसे बुन लेंगे वहाँ तक। पहली बार के 8 फंदे हमें बुनना नहीं है इसमें, दूसरी बार के जो हमने 16 फंदे छोड़े 2-2 करते हुए वहाँ तक हमें इसे दोनों साइड से 1-1 सिलाई उतार देनी है इसी तरह से। एक 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हमें बुनना है। बस यहाँ तक बुनना है और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और एक लाइन यहाँ से भी बुन लेंगे। इस सूर को मैंने कंप्लीट की। अब यहाँ से हमें फंदे को घटाना है, जो 8 फंदे हमने बटाए हैं उस 8 फंदे को घटाना है और नीचे जो हमने 8 फंदे छोड़े थे वहाँ से 1-1 फंदा उसमें बुनते जाना है हर रो में इस तरह से।
हर रो में हमें एक एक फंदे को 8 बार घटाना है और हर रो में दो दो नीचे छोड़े हुए फंदे को बुनते जाना है। यहाँ से हमें गैप लगे तो यहाँ से बीच में से एक फंदे को उठा के आगे वाले फंदे से ऐसे दो का एक करते हुए गैप को ख़त्म कर सकते हैं हम। और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और आगे से जैसा है वैसा बुन लेंगे। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, दो का एक करके दूसरा फंदा भी मैं घटा लेती हूँ और आगे से दो फंदे इसमें बुन लूँगी। इस तरह से हमको 8 फंदे एक एक करते हुए कम करना है और नीचे से दो दो फंदे बुनते जाना है और यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। तो मैं इतना कर देती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाऊंगी। यहाँ से मैं फिर से एक बीच में से फंदा उठाऊंगी और आगे से दो फंदे फिर से बुन लूंगी। और यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी। इसी तरह मैं यहाँ से आगे से 8 फंदे घटा लेती हूँ और यहाँ से जो हमने छोड़े है वो दो दो करते हुए यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे का दिखाऊंगी। देखिए मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं और ये इस साइड भी एक सिलाई उतर ली है। अब यहाँ से यह हमारी आधी कली कंप्लीट हो गई हार्ट शेप की। अब ऐसी ही दूसरी कली हमें यहाँ बनानी है इसी कलर से, तब जाके हमारा हार्ट शेप बनकर तैयार होगा। अब आप देखिए कैसे आगे का कैसे करना है। यहाँ से ही हमें फंदे को बढ़ाना शुरू कर देना है और ऐसे ही बुनते जाना है और लास्ट में दो फंदे छोड़ देना है ऐसे ही। जैसे हमने ये पहली कली बनाई उसी तरह से ही हमें बनानी है और उसी कलर से ही आपने जो भी कलर लिया हो वही कलर से हमें दूसरी कली बनानी है इसमें ही। जैसे ही हमारी एक कली कंप्लीट होती है और दूसरी रो स्टार्ट करते हैं वहाँ से ही हमें फंदे को बढ़ाना शुरू कर देना है और लास्ट में दो फंदे हम छोड़ते जाएंगे। जैसे हमने पहली कली बनाई थी उसी तरह से हमें दूसरी कली सेम मेथड से बनानी है। तो फ्रेंड मैं यहाँ से दो फंदे छोड़ दूंगी, बस ऐसे ही जैसे हमने ये कली कंप्लीट की है वैसे ही दूसरी कली हमें बनानी है। जैसे हमने यहाँ से 8 फंदे बढ़ाए थे और 8 फंदे नीचे थे दो दो करते हुए छोड़े थे, 16 फंदा छूट गए थे हमारे। फिर जहाँ दूसरे 16 फंदे रहते हैं तब यहाँ हमें बढ़ाना बंद करना है
और दो दो फंदे छोड़ते जाना है, जब तक ये 8 फंदे हमारे बटे हुए रहे तब तक दो दो फंदे छोड़ते जाना है। उसके बाद हम फंदे को, जो हमने 8 फंदे बटाए थे उसको हम कम करते जाएंगे, वो 8 फंदे हमें कम करना है और दो दो फंदे लेते हुए लास्ट तक, यहाँ तक लास्ट तक हमें कली को कंप्लीट करना है। तो मैं दूसरी कली बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा दिखता है। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो और मेरी बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं दूसरे कली आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने दो फंदे यहाँ से छोड़ दिए और यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी और यहीं सीधा बुनाई कर दूंगी। ये हमने जैसे बनाई उसी तरह यही कलर से हमें दूसरी कली बनानी है। तो मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि पूरी कली बन के हार्ट शेप में कैसी लगती है।